क्यों अज्जू भाई ने फ्री फायर खेलना छोड़ दिया, जबकि आज वो इतना बड़ा यूट्यूबर सिर्फ फ्री फायर की ऑडियंस की वजह से है। प्लस बहुत सारे लोगों का कहना है कि अज्जू भाई तभी फ्री फायर खेलता है जब उसको कुछ प्रमोशन करना रहता है ना। तो आज मैं आप सारे लोगों को ये सारी चीज का डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो उससे पहले यार सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक करके अपना अपना नेम कमेंट कर देना, एंड जिसका जिसका नेम कमेंट रहेगा मैं समझ जाऊंगा कि वो सारे भाई लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। देखो आप सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि अज्जू भाई ना गेमिंग फील्ड में इंडिया का टॉप 2 यूट्यूबर था, और फर्स्ट नंबर पे था अपना टेक्नो गेमर जो कि GTA की वीडियो डाला करता है। देन आफ्टर फेस रिवील अज्जू भाई का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अज्जू भाई फिर बन जाता है इंडिया का टॉप 1 गेमिंग यूट्यूबर। देखो एक्चुअली में देखा जाए तो यार ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, लेकिन बात यहाँ पर ये भी आती है कि वो ना फ्री फायर के ऑडियंस की वजह से ही टॉप 1 यूट्यूबर बना है, तो उसने फिर फ्री फायर खेलना छोड़ा क्यों? सिंपल चीज है, अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, गौर से एकदम समझने की कोशिश करना। देखो हर इंसान को और हर चीज को ना टाइम टू टाइम पर अपग्रेड होना पड़ता है, एंड अगर आप लोग अपग्रेड नहीं हुए तो फिर आप पीछे छूट जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। और आप लोग नोटिस करना, अज्जू भाई जब भी अदर्स गेम्स की वीडियो डालता है ना तो उसकी व्यूज कम आती है कंपेयर टू फ्री फायर की वीडियो से, और उसके बावजूद भी वो दूसरी गेम की वीडियो डालता है, एंड ये सब कुछ करने से ना उसके चैनल पे बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है। प्लस फ्री फायर की वीडियो नहीं अपलोड करने की वजह से कुछ लोगों ने तो उसको अनसब्सक्राइब ही कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अज्जू भाई फ्री फायर की वीडियो नहीं डाल रहा है, बल्कि वो और भी अलग अलग गेम्स को हमेशा ट्राई कर रहा है। अब बात यहाँ पर सोचने वाली ये आती है कि इतना ज्यादा रिस्क फैक्टर होने के बावजूद भी अज्जू भाई दूसरे गेम को क्यों अपलोड कर रहा है? देखो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि अज्जू भाई गेमिंग फील्ड में इंडिया का टॉप 1 यूट्यूबर है, तो उसके पास ऑलरेडी फ्री फायर की मैक्स टू मैक्स ऑडियंस आ चुकी है, एंड अगर वो अभी भी फ्री फायर ही खेलता रहेगा तो बहुत ही जल्दी वो टॉप 1 से गिर करके टॉप 2 पे आ जाएगा, जो कि लिटरली यार ये बहुत ही बेकार हो जाएगा। फिर इसी रीजन की वजह से वो एक ऐसी अदर्स गेम को खेलना स्टार्ट किया जो कि अलग अलग कम्युनिटी में काफी ज्यादा वायरल होती है, क्योंकि अदर्स गेम के प्लेयर लोग अभी तक से अज्जू भाई को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। एंड आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि टेक्नो गेमर और बहुत सारे माइनक्राफ्ट के ऐसे ऐसे यूट्यूबर है जिनकी सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो अचानक कभी भी अज्जू भाई को क्रॉस करके टॉप 1 पे बैठ सकते हैं। तो इसी रीजन की वजह से अब अज्जू भाई भी GTA और काफी सारा फेमस गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है, ताकि दूसरे गेमिंग के प्लेयर लोग भी उसको फटाफट सब्सक्राइब कर सके, जिसकी वजह से वो फिर हमेशा के लिए टॉप 1 पे ही राज करेगा। अब बताओ सारे लोग, क्या ये अज्जू भाई ने सही आइडिया लगाया या फिर गलत? एंड मुझे ये भी सारे लोग बताओ, क्या अज्जू भाई सच में ये सारा कुछ करके गलत कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं यार, उसके बहुत सालों की मेहनत है इस जगह पर पहुंचने के लिए, एंड इस जगह पे हर इंसान या हर यूट्यूबर नहीं पहुंच सकता है, तो इसलिए यार वो जो भी करेगा बिल्कुल सोच समझ करके करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर और कुछ ऑडियंस का कहना था कि अज्जू भाई तभी फ्री फायर खेलता है जब उसे कुछ प्रमोशन करना रहता है, अदरवाइज वो फ्री फायर खेलेगा ही नहीं। देखो एक और सिंपल चीज मैं बताता हूँ, सारे लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ना यूट्यूब पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, एंड कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है क्योंकि उनका कॉन्टेंट अच्छा होता है। एंड आप लोग में से भी कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूबर बनना चाहते होंगे क्योंकि उन्हें अच्छा खासा पैसा कमाना होगा या फिर उनके फैमिली के लिए उनको कुछ करना होगा। तो इसी तरह यार अज्जू भाई भी स्टार्टिंग पे यूट्यूब की दुनिया पे आया था सबका दिल जीतने के लिए, बट साथ ही साथ उसको पैसे भी कमाने थे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है भाई बिना पैसे की जिंदगी नहीं है। जस्ट लाइक पैसा नहीं है तो फिर इज्जत भी नहीं है, ऐसा ये दुनिया है। तो इसी तरह यार अज्जू भाई को अच्छा खासा पे आउट किया गया होगा उस प्रमोशन के लिए, एंड इसी बहाने अज्जू भाई प्रमोशन भी कर दे रहा है और साथ ही साथ फ्री फायर भी खेल ले रहा है। दैट मींस 2-in-1 हो गया यार, तो दो काम वो एक ही बार में कर दे रहा है, तो फिर यार दिक्कत क्या है? और एक बात यार, अज्जू भाई के जितने भी फैंस लोग हो उन लोगों के लिए काफी अच्छी बात होने वाली है। टेंशन मत लो, अज्जू भाई बिना प्रमोशन के भी फ्री फायर की वीडियो पे गेम प्ले करके वो जरूर अपलोड करेगा, क्योंकि उसको ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि उनके फैंस लोग जितने भी है उनकी फ्री फायर की वीडियो का वेट हमेशा करते रहते हैं, तो अपने फैंस को कभी भी निराश नहीं करेगा। आप लोगों को खुश रखने के लिए वो बीच बीच में फ्री फायर तो डालेगा ही, बट अदर्स गेम वो ज्यादा अपलोड करेगा क्योंकि उसको टॉप 1 कोई भी हाल पे मेंटेन करके रखना है। एंड इसमें यार आप सारे लोगों को, खास करके अज्जू भाई के सारे फैंस को यार प्राउड फील होना चाहिए कि तुम जिसके फैन हो वो इंडिया का गेमिंग क्रिएटर में नंबर 1 यूट्यूबर है, जो कि भाई बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है ये। अब मैं यहाँ पास एक और छोटे से टॉपिक पे मूव करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर और कुछ ऑडियंस का ये भी कहना है कि अज्जू भाई किसी को रिप्लाई क्यों नहीं देते कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी का, क्या अज्जू भाई सच में गलत है इसलिए वो रिप्लाई नहीं देते? चलो मैं इस चीज को भी
क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ एक मिनट लगेगा। देखो कंट्रोवर्सी के चक्कर में व्यूज तो अच्छा आता है, बट आफ्टर कंट्रोवर्सी व्यूज उतने तेजी से डाउन भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका यूट्यूब का रीच डाउन हो जाएगा और आपकी वीडियो रिकमेंड करना कम हो जाएगी, एंड इससे आपके चैनल के ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और इसके साथ ही साथ अज्जू किसी के कंट्रोवर्सी का इसलिए रिप्लाई नहीं देता है क्योंकि अगर आप उसको रिप्लाई देने जा रहे हो तो आपकी चैनल की वीडियोस की जो कंटेंट है वो कुछ और आने लगेगी, और कंटेंट चेंज होने की वजह से भी चैनल की रीच डाउन होती है, प्लस कुछ ऑडियंस लोग भी उसको देखने के लिए छोड़ने लगते हैं। ये सारी बेवकूफी अज्जू भाई कभी भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो कंट्रोवर्सी या फिर किसी को रिप्लाई देने के लिए बैठ जाएगा तो उससे उसकी चैनल पर इम्पैक्ट पड़ जाएगी। और अभी अज्जू जिस जगह पर बैठा हुआ है ना, उस जगह पे बैठ करके वो कभी जिंदगी पे भी रिस्क नहीं लेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि यार अज्जू भाई को लोग भाई हेट करते क्यों हैं, या फिर अज्जू के ऊपर रोस्ट वीडियो लाते क्यों हैं भाई, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। जबकि अज्जू भाई ने ना ही किसी का आईडी स्कैम किया है, ना ही कभी डायमंड फ्रॉड किया है, ना ही वो बंदा पार्टनर प्रोग्राम पे, ना ही वो बंदा स्कैमर है, ना ही वो बंदा किसी का प्रमोशन करता है। यहाँ तक वो बंदा किसी को अभी तक से उल्टा फुल्टा भी नहीं बोला होगा, ना ही गाली दिया होगा, उसके बावजूद भी अज्जू को कितने सारे यूट्यूबर्स लोग नफरत करते और हेट करते हैं, जो कि यार बहुत ही ज्यादा गलत बात है। यहाँ तक भाई जो अज्जू की जो ऑडियंस है उसको तो बाकी सारे यूट्यूबर या कुछ बंदे लोग तो भाई उसकी ऑडियंस को सिर्फ पिकाचू बोलते हैं। देखो भाई पिकाचू ऑडियंस उसको बोला जाता है जो ऑडियंस हैकर को या फिर स्कैमर को सपोर्ट करती है, जिनका बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होता है और वो अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं, उनको पिकाचू बोला जाता है। तो भाई अगर यहाँ पास कोई बंदा अज्जू को सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार काफी ज्यादा सोच करके किया हुआ है, क्योंकि भाई अज्जू जो है वो मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर है, ना ही उसने कभी किसी को हेट दिया, ना ही उसने कभी किसी का स्कैम किया। दैट मींस इसकी ऑडियंस पिकाचू नहीं है, जो बंदा बोल रहा है ना एक्चुअली में उसी की ऑडियंस पिकाचू है। तो बस मैं यार आप लोगों को ओवरऑल यही समझाना चाह रहा था कि अज्जू भाई अभी फ्री फायर क्यों कम खेलता है। तो होप सो यार आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड जो भी अज्जू भाई के फैंस हो वो लोग ना इस वीडियो को आगे जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि सारे लोगों को ये चीज पता चल सके कि अज्जू भाई ऐसा क्यों कर रहा है। प्लस अगर आप लोग ऐसे बंदों को जानते हो जो अज्जू के हेटर लोग हैं या आपको पिकाचू बोलते हैं, तो ये भी वीडियो उन पिकाचू लोगों को जरूर शेयर कर देना, ताकि इस चीज का रियलिटी भी उसको दिख सके। तो होप सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड जो भी अज्जू भाई के फैंस हो तो वो लोग एक बार कमेंट सेक्शन में टॉप 1 जरूर कमेंट कर देना, एंड जो भी बंदा लोग टॉप 1 कमेंट किया होगा मैं समझ जाऊंगा कि वो सारे के सारे लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला है मेरा, एंड उसके बाद मैं एक ना सुपर बाइक की ब्लॉग लाऊंगा। बाकी गाइस चलो अब हम लोग चलते हैं, एंड TGR NRZ और एक्शन इज लाइफ का फेक स्ट्रीम का एक्सपोज वीडियोस देखना तो आप लोग ऊपर में क्लिक करके सारे लोग जाकर के देख सकते हो।